पूजा जी, बात करें मुश्किल की, किस तरह की फिल्म है और आपके किरदार के बारे में? मुश्किल में जो मेरा किरदार है उसका नाम निभाना है। निभाना एक छोटे शहर से है, बनारस से, और जैसे कि छोटे शहरों की लड़कियां होती हैं, दे आर वेरी शाय, कॉय, वल्नरेबल। सो इसमें एक जर्नी है कि एक स्मॉल टाउन लड़की से कैसे एक मॉडर्न लड़की में मैं तब्दील होती हूँ। एंड आई थिंक मुझे अपने कैरेक्टर के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यही लगी थी, क्योंकि आपके दोनों शेड्स आपको प्ले करने को मिलते हैं, एक स्मॉल टाउन गर्ल का भी और एक मॉडर्न लड़की का भी। आपके साथ में कौन कौन है? मेरे साथ इस फिल्म में रजनीश दुग्गल, कुणाल रॉय कपूर, नाजिया हसन, नाजिया हुसैन, शफक नास एंड अर्चना शास्त्रीय। किस तरह की मूवी है, एक लाइन में अगर बात करें आपसे? मैं ये कहूँगी कि मुश्किल जो है एक प्रॉपर हिंदी कमर्शियल फिल्म है। इसमें आपको रोमांस मिलेगा, आपको हॉरर मिलेगा, थ्रिलर है, कॉमेडी है, फ्रेंड्स के बीच की आपस की नोकझोंक है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर पीपल, दे कैन गो विद देयर फैमिलीज ऑल्सो। आई थिंक पीपल विल लव द होल मसाला थिंग इन हॉरर। कितना मुश्किल था आपके लिए सब चीज़ें एक हॉरर मूवी में काम करना? जो लव स्टोरी में तो जनरली करते हैं, हॉरर में एकदम दरवाज़ा खुलता है, पीछे से भूत आता है, ये आता है, चीखना चिल्लाना। जहाँ तक शूटिंग का सवाल है तो मुझे लगता नहीं कि उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब आप एक हॉरर फिल्म करते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा कौन भूत बना है, कोई चीज़ कैसे हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, तो आपको सब पता होता है। सो एज सच कोई उस चीज़ को लेके आपको डर नहीं लगता है, बट एक एक्साइटमेंट होती है क्योंकि आप बिहाइंड द सीन्स आपके सामने हो रहा होता है और आप उसके पार्ट होते हो। सो बहुत कुछ आप सीखते हो जो आप एक नॉर्मल रोमांटिक फिल्म में या कॉमेडी फिल्म में नहीं सीख सकते। फियर बिहाइंड यू टैगलाइन है क्या? फियर बिहाइंड यू मीन्स आई थिंक ये जो लाइन है आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हैं। फियर बिहाइंड यू मीन्स कि डर जो है वो आपके पीछे है। सो आप चाहे तो आपको डर को पीछे छोड़ सकते हैं। एंड पॉजिटिव उसमें मैं यही बोलूँगी कि जो पॉजिटिव है वो ऑलवेज नेगेटिव से जीतता ही है। अभी तक कितनी फिल्में कर चुकी हैं फिल्म आपके लिए? एक्चुअली मैंने अपना करियर MTV स्प्लिट्सविला से स्टार्ट किया था, एंड 2015 में फेमिना मिस इंडिया दीवा में मैं पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ एज अ फाइनलिस्ट, आई वॉज देयर। एंड आफ्टर दैट मैंने साउथ में फिल्में की हैं, म्यूजिक वीडियोज़ की हैं, बट हिंदी में दिस इज़ माई डेब्यू फिल्म एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डेब्यू आई कैन आस्क फॉर, क्योंकि हॉरर मेरा खुद का एक पसंदीदा एक जॉनर है। एंड प्लस जो स्टार कास्ट है वो दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस एंड वेरी फ्रेंडली, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डेब्यू फॉर मी। मैं अभी एक फिल्म शूट कर रही हूँ जिसका नाम कोका कोला है, उसमें मैं सनी लियोनी के साथ फिल्म में दिखूंगी। इट्स अ हॉरर कॉमेडी फिल्म। एक के बाद अभी हॉरर कॉमेडी का दूसरी फिल्म आपकी है। हाँ जी, कितना एक्साइटमेंट है आपको लेकर? बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि हॉरर तो मैं मुश्किल में देख ही चुकी हूँ। इट्स अ रोमांटिक एंड हॉरर का कॉम्बिनेशन, सो हॉरर कॉमेडी अपने आप में एक अलग जॉनर है, उसमें आपको हॉरर भी दिखाना है और कॉमेडी भी दिखानी है। सो आई थिंक कि इट्स गेटिंग बेटर डे बाई डे। आपको